हम तो नहीं मना पा रहे, तुम मना लो, भाई हम नहीं मना पा रहे, क्या कर सकते हैं भाई, हमने तो रास्ता खो दिया, अब हम किस किस को मनाए। अगले वो MIM आके लड़ रही है यहाँ पर, आजमगढ़ भी लड़ रही है, कोई बात नहीं, MIM कोई पहली बार लड़ रही है, MIM पहले भी लड़ी है, लेकिन जो मतदाता है, देखिए इस बार मतदाता किसान के सवाल पर, महंगाई के सवाल पर, रोजगार के सवाल पर उसी में मतदान करने जाता है। मतदाता ने मन बना लिया कि बीजेपी ने धोखा दिया। सोचिए 15 लाख करोड़ उद्योगपतियों का माफ हो गया और उन्हीं उद्योगपतियों को लोन दे दिया, किसान का कर्ज माफी नहीं हुआ, तो किसान तो कर्ज माफ कराना चाहता है, उसका काम समाजवादी लोग करेंगे। कोई न्यूज स्पेस कौन दिला रहा है? बीजेपी न्यूज स्पेस दिला रही है भाई, जो बीजेपी को सूट करेगा वो न्यूज स्पेस वो पाएगा भाई, जो बीजेपी को सूट करेगी न्यूज वो स्पेस पाएंगे ना। और चुनाव तो लड़ा जाता है, आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को कैसे मना कर देंगे आप चुनाव लड़ेंगे, और पॉलिटिकल पार्टी तो चुनाव लड़ती है। उन्होंने जिस तरीके से धमकी दिया है कि अगर टिकट नहीं देंगे तो उतार ही देंगे प्रत्याशी, भाई हम कहाँ से टिकट दे दें, हम तो गठबंधन में टिकट दे दे करके हम खुद ही धोखा खा रहे हैं। अरे जिसको आगे बढ़ा देते हैं वही आगे खा रहे हैं, सोचो आप हम क्या करें बताओ। अखिलेश जी कुछ लोग ट्रोल ये भी कर रहे हैं कि 47 विधायक थे इस बार आपके 111 विधायक हो गए थे, तो जिस तरह से राज्यसभा में एक प्रत्याशी आपका हारा है उसका श्रेय वो जो 111 विधायक आपके जीते हैं उनका श्रेय वो लोग ले रहे हैं। देखिए ये सच आपको पता है, और जीरो से संख्या बढ़ गई, सदनों में पहुंच गए आप, अब आप जो 400 खाओ, अब जनता के पास तो जाना नहीं है, जनता के पास जब जाओगे तभी तो हिसाब किताब होगा। तो उस समय जब राज्यसभा का चुनाव था, मान लीजिए पूरे दल के लोग आए थे कि हम समाजवादी पार्टी को धोखा नहीं देंगे, मैंने उनसे कहा कि भाई साथ देते रहना समाजवादियों का, और बताइए क्या राज्यसभा 9 विधायकों पे बनते हैं क्या, 37-38 विधायक पे आप राज्यसभा बनते हैं, तो बताइए किसने धोखा दिया, समाजवादी लोग धोखा नहीं देते हैं, धोखा खाए हैं इस बार, और ये तो पहचान हो जाती है मित्र की और सबकी, जो बुरे वक्त में साथ देता है वही में असली मित्र होता है। अब छोड़ो उनका क्या करोगे, अब आप किस किस का क्या करते हैं, सीसी का कुछ मत कहिए, आप हमारी मदद।